तिब्बत संग्रहालय मैक्लोडगंज में तिब्बत के मैप पर आधारित लघु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी में तिब्बत के 15वीं सदी से लेकर 21वीं सदी तक के तमाम उन मानचित्रों को दर्शाया गया है जिसमें तिब्बत की क्षेत्रीय सीमाओं को साफ साफ दर्शाया गया है। जिसके साथ ही चीन इन दिनों छेड़छाड़ कर रहा है। संग्रहालय के संचालक तेंजिंग तोपतेन ने कहा है कि प्रदर्शनी का मुख्य मकसद आज की पीढ़ी और सभी देशों के नागरिकों को तिब्बत की सीमाओं की सही और सटीक जानकारी प्रदान करना है। तेंजिंग तोपतेन की माने तो जिस तिब्बत का मानचित्र आज से 7 से 8 दशक पहले हुआ करता था, आज उस मानचित्र के साथ छेड़छाड़ करके चीन ने 5 भागों में विभाजित कर रखा है, जिसकी जानकारी आज की पीढ़ी को होना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए क्योंकि आज जब हमारे पिता और दादा अपने वक्त के मानचित्र को आज के वक्त के मानचित्र के साथ कंपेयर करते हैं तो उन्हें बेहद हताशा होती है कि वही इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करने पहुँचे निर्वासित तिब्बत सरकार के कैबिनेट मंत्री और MGIC न्यूज़ लाइब्रेरी वॉशिंगटन अमेरिका के हेड वोंगेल शावा ने कहा कि हालांकि इस मैप प्रदर्शनी में कोई खास बात नहीं है जिसके बारे में वो यहाँ कुछ कहें, मगर हाँ, क्योंकि आज चीन से जिस तरह से तिब्बत की सीमाओं के साथ छेड़छाड़ करके मेक मोहन रेखा को भी मैप से गायब कर दिया गया है, जो कि ब्रिटिश इंडिया ने 14 मार्च 1940 को चीन और तिब्बत के बीच खींची थी, उसकी जानकारी आज की पीढ़ी को होना ज़रूरी है, मगर तिब्बत के नए मैप में उसे नहीं दर्शाया जा रहा है, जबकि पुराने मैप में वो सब कुछ नजर आता है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से ये दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है कि असल में तिब्बत का क्षेत्रफल और सीमाएँ कहाँ से कहाँ तक हैं और आज उसके साथ क्या हो रहा है। धर्मशाला से निवजीत तिब्बी की रिपोर्ट। मेरा नाम तेंजिंग तोपतेन है और अभी मैं तिब्बत संग्रहालय का संचालक हूँ। आज यहाँ काफ़ी सारे मैप लगे हैं, क्या हो रहा है यहाँ? तो आज हमारे जो क्या बोलेंगे, बहुत कम समय का हमारा एक संग्रहालय का एक भाग है, उसे हम बोलते हैं टेम्पररी एग्जीबिशन, जो लगभग 2 से 3 महीने तक हम इधर क्या बोलते हैं इसको दिखा कर रखते हैं। तो उसका आज उद्घाटन है। तो उस उद्घाटन में आज हमारे मिनिस्टर जो DIR का जो है वो इसका चीफ मुख्य अतिथि की तो ओर से आज इधर हमारा जो है ये तिब्बत के जो मैप के ऊपर हमने जो है एक 2 महीने का हमारा टेम्पररी एग्जीबिशन जो है हमने इसको इनॉग्रेट किया आज। क्या स्पेशल है इन मैप्स के बारे में? इन मैप के बारे में बहुत कुछ स्पेशल है और उसको मैं अगर एकजुट करके बताऊंगा तो सबसे इम्पोर्टेंट स्पेशल चीज़ ये है कि जब चीन ने तिब्बत को हमला किया है तब से लेकर चीन ने जो है तिब्बत के मैप के ऊपर, तिब्बत के क्या बोलते हैं कि हमारे सोच के ऊपर बहुत मानव आंदोलन और मतलब वो सब जो है चेंज करने का कोशिश किया है। अब उसको जो है हम इधर स्वतंत्रता देश में बैठकर हम इसको जो है हमारे सही मायने में तिब्बत देश क्या है और तिब्बत का बाउंड्री क्या है वो हम इधर बैठकर हम इसको जो है पूरा देश को जो है आवाम को हम जो है इसको पहुंचा सकते हैं। तो ये जो है हमारा मुख्य जो ऑब्जेक्टिव ये है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे तिब्बत के जो मैप जो है उसको चीन ने जब से उन्होंने कब्ज़ा किया है उनको जो है हमारे पहले हमारा ये था कि पूरा तिब्बत जो है 3 भाग में हमने डिवाइड किया है, उसको हम बोलते हैं छोकासुम तोते दुमे युजंग। अब ये हमारे जैसे मेरा दादाजी है वो हर टाइम उनको उनके दिमाग में ये है। अब जब से चीन ने कब्ज़ा किया है उन्होंने क्या किया इसको 5 भाग में डिवाइड किया है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि वो हमारे सोच, हमारे जो पूर्वज की सोच है उसको मिटाकर अपने नया जो तौर तरीके के, क्योंकि हमारे इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रहा है, उसको डायरेक्ट जो है हम इसको कॉन्ट्रडिक्ट और उसको हम डायरेक्ट आंसर देने के लिए ये मैप जो है हमने लगभग 1.5 साल तक हमने जो है हमारे तिब्बती एक्सपर्ट श्री वांगेल शावाला के साथ 1.5 साल तक हमने जो है वार्तालाप किया है और उसके चलते हुए हमने अभी 42 मैप जो है हमने फाइनलाइज़ किया है जिस
के चलते हुए हमने पूरा तिब्बत के जो है 17वीं शताब्दी से लेकर अभी तक हमारे मेन मैप क्या है और इसके पीछे हमारे क्या स्टोरी है, ये हमने दिखाने की कोशिश की है। At the MAPS and Geospatial Information Center in the Princeton University Library in the United States of America. Why are you here today? I'm here to co-curate, I should say, the Mapping Tibet exhibition and also to give a talk about that. How significant do you find this event? Say it again. How significant this event is for you? I think for me is the opportunity to tell to a Tibetan community what I have learned about the mapping of Tibet. Because I've done a lot of research on this and got the chance to talk about this to our own community. That's, for me, it's very significant. So what is the special thing about these maps? They are not, as I told you, this is not really a special map. They are not really a unique sort of a map, but these maps tell certain stories and why these maps are done and evolve over time. So that's what we were trying to show to our viewers and especially to our Tibetan communities. They need to understand how the different cartographers and the institution and government map Tibet over time. There might be some maps where China is showing the disagreement. I think there are few maps. I think one of the maps that I can think of is the MacMahon line map is there, and the Chinese disagree with that one because the MacMahon line is basically a boundary defined between the British India, Northeast British India area and the Tibet at that time in 1914, March 1914, it was defined between only, is a bilateral sort of agreement, MacMahon line. So that's Chinese disagree with that one because the Chinese representative was not involved because that particular agreement was done between Tibet and India at that time. So how these maps will help in the Tibetan cause? I think there are different angles to look at. For me, it's educational to Tibetan and to a larger community in the world. I mean, how many Indians really know about the Tibet really well? So I think anyone who comes here and look at this map, they might be able to go out understanding better. So that's the goal. How old are these maps? They vary from late 1600 to maybe the 2000 around. Yep, so it's all over.